हिमाचल प्रदेश में प्रभावी प्रदेश व्यापी कर्फ्यू के पहले कर्फ्यू का पूर्ण असर देखने को मिला है। कर्फ्यू के दौरान शहर की सड़कें गलियां सूनी रही, चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही नजर आई। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस थोड़ी सख्ती भी करती नजर आई है। पपरोड़ा, बीड़, भट्टू, चढ़ियार आदि क्षेत्रों में भी कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला है। हालांकि जरूरी सामान, दूध, सब्जी और किराना सहित सामान की सप्लाई सुबह 8 से 11 बजे तक निर्धारित की गई है। कर्फ्यू के दौरान SDM बैजनाथ छवि नांटा ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कई लोगों को घूमते पाया गया, जिसे समझाकर घर भेजा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सख्ती भी बरती गई। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान क्षेत्र में पुलिस चारों ओर गश्त पर कर रही है। SDM नांटा ने कहा कि उन्होंने बीड़ में जाकर चारों पंचायत प्रधानों से मिलकर तिब्बतीयन मठों में जाकर पूरी जानकारी हासिल की है तथा विदेशी नागरिकों के फॉर्म भरवाकर उन्हें एक जगह रहने की सलाह दी है। बैजनाथ सब डिवीजन में जो कर्फ्यू है वो पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और उसका उल्लंघन आज कहीं भी देखने को नहीं मिला है। सारे मार्केट्स बंद हैं। मार्केट्स का जो समय है वो भी निर्धारित कर लिया गया है। जो भी एसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो सुबह 8 बजे से सुबह के 11 बजे तक खुली रहेंगी। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है वो भी रखने का हमने प्रावधान किया है। उसके लिए भी मार्किंग्स हर दुकान के बाहर की जाएंगी। इसी संदर्भ में आज बीड़ में भी मैंने 4 जो हमारे वहाँ के प्रधान हैं उनके साथ और जो टिबेटन सोसाइटीज़ हैं 3 जो उनके डिविजन्स हैं उनके साथ भी एक मीटिंग की और जो ज़रूरी ब्लीचिंग पाउडर से छिड़काव है वो करने के बारे में भी चर्चा की गई और उनको ये भी डायरेक्शंस दिए गए कि कोई भी टिबेटन जो उनके पास फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री वाला है उसकी वो डिटेल छुपाए ना और फॉर्म सी फॉर्म जो है उसके ऊपर सेल्फ डिक्लेरेशन उनको भिजवाना सुनिश्चित करें। जो विदेशों से आए हैं उनके लिए क्या? विदेशों से जो भी लोग आए हैं हमारे पास 87 ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास BMO साहब के पास अपडेटेड है। उनको डेली मॉनिटर किया जा रहा है। ये होम क्वारंटीन पे हैं 87 लोग और सभी फिलहाल एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनके कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है कि COVID-19 का जो इशारा करें। हमको काफ़ी जगह से पता लगा था पर ये हमने सभी जो भी ये सब्जी विक्रेता हैं सब्जी फल विक्रेता हैं इनको कहा है कि वो रेटलेस डिस्प्ले करेंगे। रेटलेस डिस्प्ले भी की जा रही है परंतु रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों में ही रेट 10 रुपये 12 रुपये बढ़ गए हैं परंतु ये उनका अपना डिसीजन भी नहीं है। पीछे से ही सब्जियां नहीं आ रही हैं या जो आ रही हैं वो रेट बढ़कर ही आ रही हैं। इसलिए हम ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद स्थिति थोड़ी नॉर्मल होगी।